आखिरी बॉल तक खेलने का अहंकार पालने वाला पाकिस्तान क्रिकेट का वो दिग्गज खिलाड़ी सियासत की पिच पर क्लीन बोल्ड हो चुका है। पड़ोसी मुल्क में पिछले एक महीने से जारी सियासी उठापटक शनिवार को खत्म होने के साथ ही इमरान खान पीएम हाउस से निकलकर पैदल हो गए। इमरान 9 मार्च का ये दिन कभी नहीं भूल पाएंगे। इमरान खान संसद के स्पीकर और उनके पूरे सहयोगियों ने अमेरिका की साजिश का आरोप लगाकर सरकार बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुईं और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद गेम ओवर हो गया। 2018 में नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए क्रिकेटर से नेता बने 69 साल के इमरान खान देश के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है। विपक्ष ने संयुक्त रूप से पहले ही घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ उनके संयुक्त उम्मीदवार होंगे। पीएम भले ही शाहबाज बने लेकिन नई सरकार में दो और प्रमुख किरदार होंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो दो किरदार जिन्होंने इमरान खान को पैदल किया है। इमरान खान को पैदल करने वालों में पहला नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ का है। शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति में एक प्रभावी प्रशासक के रूप में माना जाता है। शाहबाज और सेना के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। वे अपनी कड़क प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। उनके चीन से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। समझा जा रहा है कि वे भारत से रिश्तों को सुधारने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कई शादियां की हैं और लंदन दुबई में उनके कई लग्जरी अपार्टमेंट हैं। वहीं पाकिस्तान की सत्ता फिर से शरीफ खानदान के पास आ गई है। ऐसे में 3 बार पीएम रह चुके नवाज शरीफ भी वनवास छोड़ स्वदेश लौट सकते हैं, जो कि इस समय वे ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। नई सरकार में दूसरे प्रमुख किरदार पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके आसिफ अली जरदारी होंगे। पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के पति जरदारी प्रमुख विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संरक्षक हैं। उनके बेटे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में तेजी से उभरे हैं। नई सरकार में जरदारी भले ही पद ना ले लेकिन बिलावल को अहम भूमिका मिल सकती है। नवाज और जरदारी दोनों परिवारों पर इमरान काफी आक्रामक रहे थे। वहीं तीसरा किरदार है इमरान को बेचैन करने वाले मौलाना फजलुर रहमान का। 69 साल के मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख हैं। उनके पिता खैबर पख्तूनख्वा के सीएम रह चुके हैं। वे तालिबान समर्थक और इमरान के कट्टर विरोधी रहे हैं। उनके सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ की सरकार ने मौलाना को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया था। एक समय जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी तो मौलाना ने एक महिला के देश का नेतृत्व करने का विरोध किया था। परवेज मुशर्रफ ने मौलाना को नजरबंद कर दिया था। खबर ये भी थी कि 2007 में मुशर्रफ को सत्ता से बेदखल करने के लिए मौलाना ने अमेरिकी राजदूत के साथ सीक्रेट डिनर किया था। नई सरकार में उनका भी कद बढ़ेगा। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल।